दिखाई दे रहा है ना सर? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप ले जिए और स्टार्ट कीजिए रिकॉर्डिंग चालू हुआ है। ओके ओके थैंक यू। नमस्ते बच्चों पहले तो सभी को आज से शुरू होने वाले नवरात्रों उत्सव की सभी को शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाईयां मैं सरिता सुहासनार दे चारकोप सेक्टर वन चारकोप सेक्टर वन म्यूनसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल कांदीवली वेस्ट आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान दो में आ, पहला पार्ट जो है उसमें का अनुवंशिकता और उत्क्रांति मेरा नाम है सरिता सुहास नारदे तो बच्चों आनुवंशिकता जो होता है ये सभी को अपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि अनुवंशिकता किससे रिलेटेड होता है या आ, उसे मतलब किस चीजों से अनुवंशिक गुणधर्म या सजीवों में घटक जो भी गुणधर्म ये होते हैं वहन होता है उसके बारे में सभी को पता है डीएनए आरएनए के बारे में सभी को पता है तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है अनुवंशिकता एवं अनुवंशिक परिवर्तन दूसरा मुद्दा है प्रतिलेखन भाषांतरण तथा स्थानांतरण तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें का उत्क्रांति और चौथा है उत्क्रांति के प्रमाण तो आनुवंशिकता किसे कहते है? ये हम पहले उसपे ध्यान देने वाले हैं पहले तो हम देखने वाले कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं उसके बाद उसमें परिवर्तन कैसे होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जीन जेनेटिक्स जो भी है हेरिडिटी जिसको कहा जाता है वो कैसे परिवर्तन उसमें होता है वो हम देखने वाले है दूसरा मुद्दा है प्रतिलेखन भाषांतरण और स्थानांतरण और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्क्रांति और उत्क्रांति के प्रमाण तो पहला मुद्दा जो है हमारा वो है आनुवांशिकता तो अनुवांशिकता के बारे में सभी बच्चों ने या सबने सुना होगा कि अनुवांशिकता हम जब कभी कोई बच्चा जन्म लेता है या किसी को हेरिडिटी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी और उसके बदल बदल तो आनुवंशिकता मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाले जो जनुक होते जो संक्रमण होता है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे हो कि उसकी परिभाषा एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनु को द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को हम अनुवांशिकता कहते हैं कभी कभी देखो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें रहते हैं हम बोलते कि नहीं नाना पे गया है दादा पे गया है ऐसे बहुत सारी बातें हम कहते हैं तो क्या होता है जैविक लक्षण क्योंकि जब भी कहा अः मतलब लक्षण जो भी दिखते हैं हमें जनुकों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्रजनन द्वारा जो भी पीढ़ी बनती है वो एक दूसरे से सिमिलर रहती है जैसे इंसान का बच्चा इंसान के जैसे ही दिखता है जानवर जो भी है जैसे बाघ है तो बाघ का बच्चा बाघ के जैसे दिखेगा क्यों क्योंकि क्यों, जेनेटिकली और इवोल्यूशनरी uh, जो भी पॉइंट्स होते हैं उनमें आए होते हैं इसीलिए हम अनुवंशिकता की परिभाषा को फिर से एक बार देखेंगे एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को हम अनुवंशिकता कहते हैं और उस अनुवंशिकता uh, uh, के इसमें जो जनुक जनुक मतलब जीन्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जीन्स जनुक तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह दिखता है जो आपको साइड में दिख रहा होगा एक धागे के जैसे रहता है और जो डीएनए में स्थित होता है और वो सर्पिला कृति होता है उसको दुहेरी सर्पिला कृति आकार का होता है एक धागे जैसे यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा आ, कि एक इसको कहते हैं जीन्स उसके बाद यहाँ पे आनुवंशिकता के संदर्भ में बहुत सारे जो शास्त्र है उन्होंने वैज्ञानिक है उन्होंने अपने स्तर पर एक उसका महत्व समझाया है या उसमें रिसर्च किया है संशोधन किया है जैसे कि डेल है युगोदर से, है एवरी मैकलिन मैककार कॉलिन मैकलॉयड ऐसे बहुत सारे संशोधक है या जिन्हें हम कह सकते हैं वैज्ञानिक है जिन्होंने अनुवंशिकता क्या होता है उसमें बदलाव कैसे आते हैं उसके आधार पर उसका उत्परिवर्तन है जो अलग अलग उन्होंने अलग अलग ईस्वी सनों में जैसे 1944 में ओसवाल्ड एवरी जो है उन्होंने अनुवंशिकता के बारे में कहा है कि सजों में डीएनए की आनुवंशिक सामग्री होती है इसीलिए यह उन्होंने सिद्ध किया था उसके बाद है डीएनए में छुपे संकेतों को समझने के लिए हमें इसकी मदद होती है अभी आप देखोगे मैंने एक स्क्रीन शेयर किया है जिसपे आपको दिखाई दे रहा है कि आनुवंशिक बदल कैसे हो सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमण होना मतलब उसको आनुवंशिकता हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें आ, हमने आंखों का उदाहरण लिया है जैसे यहाँ पे माँ मतलब मदर की आंखों का कलर और फादर की आंखों का कलर और वो जो दोनों का जिन जेनेटिक्स मिला के जो बच्चे की आंखों का कलर आया है तो उसमें दो प्रकार के ये होते हैं एक डोमिनेंट मतलब प्रभावी एक गुण आता है और एक अप्रभावी गुण आता है जैसे वो दोनों में मिला के अगर किसी बच्चे में ठीक है यहां पे एक पेरेंट्स के ब्राउन आंखें हैं और मदर uh, पेरेंट्स के भी ब्राउन आंखें हैं तो मोस्ट ऑफ बच्चों की आंखें भी ब्राउन कलर की आती है पर अगर इन केस थोड़े बहुत बदलाव होते हैं उनमें तो वो आगे हम देखने ही वाले हैं म्यूटेशन का तो उसमें स्पेशली uh, ग्रीन और ब्लू भी कभी-कभी आंखों का कलर जो है मतलब अंदर का जो ये होता है उसका कलर हमें ग्रीन या ब्लू दिखाई दे सकता है तो ऐसे ये जो बदलाव है ब्राउन और ग्रीन अगर आंखें फादर और मदर की माँ और बाप दोनों में माता और पिता दोनों में अगर एक किसी की आंखें ब्राउन है किसी की ग्रीन है तो बच्चों की आंखें कभी ब्राउन हो सकती है या कभी किसी की मतलब एक बच्चे की अगर ब्राउन है तो दूसरे बच्चे की शायद से ग्रीन या ब्लू आ सकती है तो उसे हम कहते हैं अनुवंशिक बदलाव तो ये ये जो चीजें हैं हमें तो वो कहाँ से मिली होती है हमें हमें पूर्वजों से मिली होती है जैसे अपने माता पिता से हमें ये संक्रमण मिलता है वैसे जैसे हमें गुण धर्मों का संक्रमण मिलता है वैसे ही हमें बहुत सारे विकार जो है वो भी अनुवंशिकता से हमें आते हैं कभी कभार हम देखो किसी को अगर डायबिटीज है किसी को अगर एनीमिया है या कुछ ऐसी बीमारियां है सिकल सेल एनिमिया वगैरह ऐसे जो बहुत सारे ये होते हैं तो कभी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर को पूछते तो डॉक्टर पहला सवाल यही पूछते कि आपके घर में किसी को है क्या आपके मम्मी को है क्या पापा को है क्या दादा को था क्या तो ऐसे क्यों पूछते हैं क्योंकि ये अनुवंशिकता मतलब जेनेटिकली भी अपने में ये चीजें आ सकती है इसीलिए वो पहले हमें ऐसा सवाल पूछा जाता है और इसी को हम अनुवंशिक बदल कहते हैं तो अनुवंशिकता जो होती है उसका मतलब वो क्यों जानना चाहिए उसका जो ए, ए है हमें बदलाव या अनुवंशिकता से रिलेटेड जो है मेन तो है डीएनए और आरएनए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा डीएनए और आरएनए तो डीएनए का डीएनए मतलब डाइ राइबोज न्यूक्लिक एसिड उसका फुल फॉर्म है डी फॉर डीऑक्सी एन फॉर न्यूक्लिक और ए फॉर एसिड ऐसे उसका पूरा फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो कि आपको अच्छे से ध्यान में रखना है परीक्षा के हेतु दूसरा है आरएनए आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए में है आरएनए मतलब क्या होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड तो अभी यहाँ पे देखो डीएनए का एक मैंने आकृति रचना दिखाई है डीएनए uh, की जो रचना होती है वो दुहेरी सर्पिला सर्प, स्नेक स्नेक ऐसे जैसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चलता है वैसे ही ऐसे दुहेरी डबल स्ट्रैंड जिसे कहा जाता है डबल स्ट्रैंड में ही डीएनए का रचना डीएनए की जो रचना होती है वो होती है उसमें हमें एडिने ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन ऐसे चार प्रकार के प्रतिन की ये दिखते हैं उसके बाद है आरएनए डीएनए और आरएनए का डिफरेंस भी आपको यहाँ पे एक समझ में आ जाएगा जैसे डीएनए में होता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन वैसे ही आरएनए में भी सेम एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन होता है सिर्फ थाइमिन की जगह पे यहाँ पे यूरोसिल फॉर्म होता है थाइमिन की जगह पे क्या तैयार होता है यूरासिल तैयार होता है और आरएनए की रचना अगर आप देखोगे तो ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है मतलब एक ही सिंगल अगर सर ऐसे ये है तो ये दुहेरी नहीं है एकेरी है समझ में तो इसी के मदद से हमें अनुवंशिकता या बदलाव जो भी है वो हम जान सकते हैं इस अनुवंशिकता के पढ़ते हुए हमें ये समझ में आएगा कि अगर पता होती है तो हम अलग अलग रोगों के निदान कर सकते उस उसपे प्रतिबंध और नियंत्रण कर सकते हैं उपचार करने के लिए प्राणियों का संकर जो होता है डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बाद हम प्राणियों का आनुवंशिकता का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ तो आनुवंशिक विकृतियों का निदान करने के लिए हम आनुवंशिकता का अभ्यास जो है वो कर सकते हैं उसके बाद प्रतिबंध और नियंत्रण करने के लिए हम कर सकते हैं प्राणी संकर एवं वनस्पति संकर के लिए क्योंकि बहुत सारी वनस्पतियां बहुत सारे प्राणी जो है वो कालवश होते जा रहे हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज हम जिन्हें कहते हैं अगर उनके जीन जेनेटिक्स या डीएनए के सैंपल्स या कुछ भी है तो हम उनका लैब प्रयोगशाला में प्राणी का संकर या वनस्पति का संकर हम वहां पे कर सकते हैं और उस प्राणी या वनस्पति को हम एक्सटिंक्ट होने से बचा सकते मतलब उनका अस्तित्व खत्म होने से हम बचा सकते हैं वैसे और उसका एक उपयोग है जैसे सूक्ष्म जीव जहाँ पे होते हैं जैसे ऐसी बहुत सारी औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं, ऐसी बहुत सारी औद्योगिक कंपनीज है जहाँ पे सूक्ष्म जीवों पे अभ्यास किया जाता है और वहाँ पे भी आनुवंशिकता का जो अभ्यास है वो किया जाता है उसका उपयोग भी वहाँ पे हम कर सकते है जिसके लिए डीएनए और आरएनए महत्वपूर्ण घटक है और उनकी उनके ही जांच के इसके हेतु मदद से हम अनुवंशिकता का अभ्यास कर सकते हैं और अलग अलग जगह पे जैसे यहाँ पे दिखाई गया है अनुवंशिक विकृतियाँ है संकर है वनस्पति प्राणी संकर बहुत सारी हैं और चलते हैं तो आप सभी को पता ही है उसके बारे में सूक्ष्म जीव है जहाँ जहाँ माइक्रो जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया जैसे कि अभी आ, बहुत सारे जो डिसीजेज आते हैं उनपे अः वैक्सीन ढूंढना ये वो काम वो सब भी कामों में भी आनुवंशिकता या उसका प्रभाव हम दे सकते हैं उसके बाद वाला महत्वपूर्ण पार्ट पॉइंट है हम देखने वाले थे प्रतिलेखन भाषांतरण तथा स्थानांतरण अभी आप बोले कि प्रतिलेखन मतलब होता क्या है जिसको ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं और आनुवंशिकता तो आप जब भी पढ़ोगे उसमें डीएनए आरएनए ये दो महत्वपूर्ण घटक है वो हर एक मुद्दे पे आपको आते ही रहेंगे इसीलिए डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि कैसे होता है उसके बाद आर एन ए का स्ट्रक्चर बताया तो पहला मुद्दा जो है उसमें प्रतिलेखन तो प्रतिलेखन मतलब क्या हो सकता है हम कभी कभी देखो किसी की प्रतिकृति बनाते हैं प्रतिकृति बनाना मतलब क्या सेम टू सेम वही चीज सामने इंप्लाई अप्लाई करना है हमें कोई हम कि, कोई अगर चीज लिखते हैं जैसे कविता याद करनी तो हम क्या करते हैं उसको बार 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 लिखते हैं ताकि वो याद हो जाए प्रतिलेखन उसका कर करते रहते हम तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्ट्रक्चर दिखाया है तो डीएनए आरएनए निर्मित करने की इसी प्रक्रिया को हम प्रतिलेखन कहते हैं प्रतिलेखन मतलब जिसमें डीएनए में पाए जाने वाले जनुक जो होते जिसमें आरएनए महत्वपूर्ण भाग लेता है आरएनए डीएनए पे ही काम करता है उसे हम प्रतिलेखन कह सकते हैं कोशिकाओं के कार्य में भाग लेते उसी प्रकार रचना एवं कार्यों में भी उसका महत्वपूर्ण भाग होता है तथा योग्य प्रकार के प्रथिनों की समय समय पर हम नियंत्रण रखते जाते हैं तो ऐसे ही जो प्रथिन है डीएनए के कारण आरएनए में जो बनते हैं उसे ही हम एक उसमें एक नया कंसेप्ट भी है उसे कहा जाता है सेंट्रल डोगमा तो सेंट्रल डोगमा अगर हम कहते हैं तो उसे तो प्रतिलेखन मतलब क्या होता है प्रथिनों की निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से अगर की जाती है प्रथिनों की निर्मित डीएनए के माध्यम से अगर आरएनए के, के माध्यम से होती है तो इससे हम सेंट्रल डोगमा एक जो प्रतिलेखन में का महत्वपूर्ण पार्ट है कि सेंट्रल डोगमा किसे कहते हैं तो यहाँ पे आपको देखो डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसके बाद वही इसके ऊपर की जनों की जो माइिति होती है वो एम आर एन ए पे स्थानांतरित होती है एम आर एन ए उसको कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके माध्यम से डीएनए के कारण आरएनए की प्रतिक्रिया इसमें आरएनए के माध्यम से प्रोटीन की जो निर्मित होती है प्रथिनों की जो निर्मित होती है वो होती है और इसी कंसेप्ट को हम ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलेखन कहते हैं क्या कहते हैं उसे ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलेखन उसे कहा जाता है जहाँ पे यहाँ पे आपको रिप्लिकेशन होता है उसमें डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होते हुए वो मैसेज एम जो है मैसेजर आरएनए आपको आरएनए के तीनों पार्ट हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में देखे है किसे आरएनए के तीनों पार्ट एम आर एन ए टी आर एन ए और आर आर एन एम आर एन ए मतलब होता है मैसेंजर आर एन ए टी आर एन ए होता है ट्रांसफर आर एन ए और आर आर एन ए मतलब राइबोसोमल आर एन ए होता है तो ये तीनों टाइप्स हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। तो एम आर एन ए मतलब क्या मैसेंजर आर एन ए मतलब वो मैसेज पहुंचाने का काम करता है किसी को अगर उसके बारे में माहिती पहुंचाने का काम एम आर एन ए करता है तो वही एम आर एन ए यहाँ पे प्रोटीन बनाने में में प्रतिलेखन करने में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है तो प्रथिनों की जो निर्मित डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होती है इससे ही हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं तो सेंट्रल डोगमा की परिभाषा आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है डीएनए में स्थित जनुको की श्रृंखला अनुसार एम का निर्माण किया जाता है ये जो श्रृंखला है इसी के अनुसार हमें का हम करते और उसी के आधार पर प्रथिनों की निर्मित की जाती है और वो किसके माध्यम से होती है आर के माध्यम से होती है और इसी प्रकार को सेंट्रल डोगमा कहा जाता है और उसके साथ साथ हमें आ, जो नि, निर्मित की, की जाती है जाती है डीएनए के माध्यम से आरएनए की जो अः निर्मित की जाती है जिसमें सेंट्रल डोगमा प्रोसेस होता है और उसके बाद जो प्रक्रिया की जाती है उसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या प्रतिलेखन कहा जाता है तो प्रतिलेखन में हमें यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का जो एक पार्ट है आ, कैसे कोडॉन या आरएनए उसमें इन्वॉल्व होता है एमआरएनए मैसेज ये करता है और फिर वहाँ पे प्रतिलेखन की प्रक्रिया की जाती है तो प्रत्येक अमीनो अम्ल जो होता है उसमें उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है वो है ट्रिपलेट कोडॉन किसे कहते हैं तो ट्रिपलेट मतलब क्या तीन प्रकार ट्रिपलेट मतलब तीन चीजों का समूह उसे हम ट्रिपलेट कहते हैं तो प्रत्येक अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल मतलब यहाँ पे जो स्थानांतरित होते वो अम्ल अमीनो अम्ल का जो ग्रुप होता है उसे हम न्यूक्लियोटाइड का समुच्चय जो होता है न्यूक्लियोटाइड नु, के समुच्चय के स्वरूप में वो होता है और वो तीन मतलब तीन का एक समूह बनाया जाता है तीन न्यूक्लियोटाइड का एक समूह बनाया जाता है और उसे ही हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं तो ट्रिप्लेट कोडॉन केशिका केंद्रक में निर्मित होने वाला कोशिका द्रव्य में जाता है कहां पे जाता है कोशिका द्रव्य में जाता है और वहां पे फिर ट्रिपलेट कोडॉन का निर्मित होता है और वहीं से हमें ट्रांसक्रिप्शन या जो भी प्रतिलेखन की क्रिया है वो वहां पे कंप्लीट होती रहती है उसके बाद वाला मुद्दा है भाषांतरण और स्थानांतरण क्योंकि कभी भी हम डीएनए जांच करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें ये चीजें होनी चाहिए तभी हमें पता चलता है कि अरे इस, इस इसका ये जो पार्ट है किससे रिलेटेड है ह्यूमन का है एनिमल है क्या है वो सब हम देख सकते हैं तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलेखन जिसे कहा जाता है उसको अच्छे तरीके से डीएनए में कैसे उसका प्रतिलेखन होता है वो यहाँ पे बताया गया है उसके बाद है भाषांतरण भाषांतरण और स्थानांतरण। और स्थानांतरण जिसे कहा जाता है तो भाषांतरण मतलब क्या होता है हम ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेट करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए कोई भी भाषा अगर हम पढ़ते तो हमें उसका ट्रांसलेशन आना जरूरी है जैसे हिंदी में अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश में आना चाहिए हिंदी इंग्लिश में कुछ बोल रहे वो मराठी में आना चाहिए तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है तो यहाँ पे भी उसका भाषांतरण मतलब जो कोडिंग लैंग्वेज जो कोड ट्रांस uh, इससे आते ट्रांसक्रिप्शन से आते प्रतिलेखन से आते उनको फिर ट्रांसलेट किया जाता है क्या किया जाता है ट्रांसलेट किया जाता है तो इंपॉर्टेंट है एम आर एन ए -मारेने. तो प्रत्येक एमआरएनए आर एन ए यह हजारों कोडोन से बना होता है प्रत्येक एमआरएनए आर एन ए जो होता है वो किससे बना होता है बहुत सारे कोडोन से बना होता है कोड मतलब वो बताया मैंने आपको की टिप्लेट कोडॉन का एक समुच्चय होता है और उसी से वो पढ़ा जाता है वही उसका संदेश वहां से ट्रांसफर किया जाता है तो प्रत्येक यह हजारों कोडोन से बना होता है उसके ऊपर एक संदेश आता है संदेश अनुसार प्रथिन की निर्मित करने के लिए लगने वाले अमीनो अम्ल की पूर्ति का काम टी आर एन ए करता है टी आर एन ए मतलब ट्रांसफर आरएनए जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ट्रांसफर आरएनए का कार्य क्या होता है वो कैसे उसका कार्य करता है इसके लिए एमआरएनए के ऊपर जिस प्रकार का कोडॉन होता है एमआरएनए के ऊपर जो कोडॉन होता है बाजू की आ, डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि कोडॉन कैसे ट्रिपलेट में यू ए सी ए तीन न्यूक्लियोटाइड्स का जो भी आ, एक समुच्चय है उसे हम क्या कहते हैं कोडॉन कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं उसमें आ, कोडॉन होता है उसके पूरक क्रम वाला एंटी कोडॉन टी आर एन ए पर होता है जो ट्रांसफर आरएनए होता है यहाँ पे तो उसमें ये टी आर एन ए उसको कैरी करता है सेम सेम टू उसको कैरी करता है इस क्रिया को हम भाषांतरण कहते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन हम जब भी करते हैं तो वर्ड टू वर्ड करते भाषांतरण मतलब ट्रांसलेशन ऐसे उसका ये करते हैं कि सपोज एक शब्द हम इंग्लिश में बोल रहे हैं बिहेवियर तो बिहेवियर को क्या कहते हैं वर्तणुक तो ऐसे हम ट्रांसलेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी सेम टू सेम कोडॉन का पूरक कोडॉन का आ, ट्रांस अः टी आर एन ए के जरिए भाषांतरण किया जाता है जिसे हम ट्रांसलेशन कह सकते हैं उसके बाद है ट्रांस स्थानांतरण मतलब क्या ट्रांसलेट तो किया गया है भाषांतरण उसका हो गया पर उसका जगह हमें फिर क्या करना होता है उसको बदलना होता है मतलब वो अपनी जगह बदलता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं स्थानांतरण कहते हैं जिसे हम स्थानांतरण कहते स्थाना हैं तो टी आर एन ए के द्वारा लाए गए अमीनो अम्लों की पेप्टाइड बंध से श्रृंखला बनाने का कार्य आर आर एन ए मतलब राइबोसोमल आरएनए करता है और इसी दरमियान एम आर एन ए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता रहता है वो एक एक जैसे चेन है वो आगे आगे जाती रहती है और इसी क्रिया को हम स्थानांतरण कहते हैं उसे क्या कहते हैं हम स्थानांतरण जगह बदलते रहते मतलब आगे आगे सरकते रहते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे एक डायग्राम में दिख रहा होगा एक केंद्रक है केंद्रक से एम आर एन ए अपना आ, मैसेज का जो मैसेज स्थानांतरण कर रहा है और उसका कोडिंग यहाँ पे हो रहा है जहाँ पे यू जी की जगह पे यूएससी का Uh, स्थानांतरण यहाँ पे किया गया है तो इसी प्रकार से टी आर एन ए और एम आर एन ए की मदद से फिर आर आर एन ए उसका क्या करता है ट्रांसलोकेशन किया जाता है उसी को हम स्थानांतरण कहते हैं तो स्थानांतरण क्या होता है आपको डिटेल में यहाँ पे समझ में आ गया होगा तो t r n के द्वारा लाए गए मतलब ट्रांसफर आरएनए के द्वारा लाए गए अमीनो अम्लों की पेप्टाइड बंधन से श्रृंखला बनाने का जो भी कार्य होता है उसे आरएनए करता है और इसी दरम्यान राइबोसोम मतलब एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक एक ट्रिपलेट कोडोन अंतर में थोड़े थोड़े अंतर में वो क्या होता है सरकते रहता है और इसी क्रिया को हम स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहते हैं तो भाषांतरण स्थानांतरण सॉरी uh, प्रतिलेखन भाषांतरण और स्थानांतरण ये तीनों चीजें जो होती है आ, वो डीएनए के माध्यम से आरएनए के माध्यम से होती है जिनमें आरएनए का महत्वपूर्ण भाग होता है एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए तीनों का वहां पे उपयोग किया जाता है उसके बाद का मुद्दा है उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं तो म्यूटेशन मतलब क्या होता है उत्परिवर्तन क्या होता है जनुक का कोई न्यूक्लियोटाइड अचानक अपनी जगह बदलता है अभी वो सरक सरक के अपना स्थान उसने बदल लिया पर कभी कभी क्या होता है वो जब जगह बदलता है तब उसमें छोटा सा परिवर्तन हो जाता है मतलब जैस, जिस सीक्वेंस से जिस स्थिति से उसको बदलना चाहिए आगे आगे जाना चाहिए उसके अलावा उसमें थोड़ा सा बदल हो जाता है वो कोडॉन चेंज हो जाते हैं बीच में ही और उसी को हम उत्परिवर्तन कह सकते हैं तो वह परिवर्तन अर्थात उत्परिवर्तन होता है और जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है देखो ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है थायमिन है एडेनिन है एडेनिन साइटोसिन ये जो लिखे हुए अल्फाबेट्स है ना वो क्या है थाइमिन एडेनाइन ए फॉर एडेनाइन जो मैंने आपको पहले भी डीएनए के इसमें दिखाया कि कौन से कौन से प्रथिन उसमें होते हैं इस स्लाइड पे अगर आप देखोगे तो एडेनिन गोनिन ए फॉर एडेनिन होता है जी फॉर ग्वानिन होता है तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी अबा... ये दिखाया जाता है कि टी फॉर था होता है ए एडेनिन तो ऐसे जो भी सीक्वेंस है ऊपर आपको ओरिजिनल सीक्वेंस दिख रहा है नीचे सब्सटीट्यूशन मतलब उसको जो उत्परिवर्तन उसमें हुआ है देखो यहाँ पे टी जैसे के वैसे स्थानांतरित हुआ है ए हुआ है ए हुआ है सी भी हुआ है पर टी की जगह पे फिर यहाँ पे क्या आ गया है ग्वानिन आ गया है तो ऐसे छोटे छोटे जो डिफरेंसेस uh, या परिवर्तन उसमें होते हैं, उसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं तो ये पूरा जो तीनों का एक ट्रिपलेट कोडॉन चेंज हुआ है उसकी जगह पे क्या आया है ग्वानिन एडेनाइन और थाइमिन आया है तो इसे ही हम उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन उसे कहा जाता है तो प्रतिलेखन स्थानांतरण भाषांतरण और उत्परिवर्तन ऐसी अलग अलग प्रक्रियाएं वहां पे होती है और उत्परिवर्तन के कारण हमें फिर बहुत सारी आनुवंशिक विकृतियां जो होती है वो भी हमारे में आ सकती है फॉर एग्जाम्पल उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनिमिया जैसी अजन विकृतियों का निर्माण होता है उसके बाद का महत्वपूर्ण तो भाग जो है वो है इवोल्यूशन जिसके बारे में सभी को पता है कि उत्क्रांति जिसे हम कहते हैं उत्क्रांति उत्क्रांति मतलब क्या होता है अभी बहुत सारी चीजों में जैसे मानव में तो उत्क्रांति हुई है वो सभी को पता भी है कि कैसे हम पहले किस स्तर में थे किस आकार में थे उसमें फिर धीरे धीरे विकास होते गया उत्क्रांति इन शॉर्ट हम उसको विकास भी कह सकते हैं डेवलपमेंट कह सकते हैं तो उत्क्रांति अर्थात सजीवों में अत्... अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन क्रमिक परिवर्तन क्यों कहा गया है क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन होता है एक स्टेप हुई कि उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल के अनुसार वहां पे क्रमिक परिवर्तन और बहुत स्लो मोशन में मतलब अत्यंत धीमी गति में वो काम होता है और उसी को हम उत्क्रांति कहते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है देखो एक पौधा अगर हम लगाते हैं तो पौधा डायरेक्ट बड़ा पेड़ ही लगा देते हैं क्या उठा के? ऐसे नहीं होता है, तो उसका हम पहले बीज रोपण करते हैं, तो बीज रोपण हम मिट्टी में उसका छोटा सा बीज लगाते हैं, उसके बाद अः यहाँ पे देखोगे तो ये छोटा सा फिर उसमें से छोटा सा पौधा बाहर निकलता है उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है और फिर उसको बड़े पौधे का आकार मिलता है तो इसे कहते हैं परिवर्तन एक क्रमिक परिवर्तन है स्टेप बाय स्टेप ये परिवर्तन होता है आज बीज लगा दिया और कल ऐसा पौधा मिल गया ऐसे होता है क्या? कभी नहीं होता है ऐसे तो वैसे ही साइड वाले में दिखाया गया मानवी उत्क्रांति ह्यूमन इवोल्यूशन जो है उसमें भी एक 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 स्टेप से ही यहाँ पे परिवर्तन हुआ है तो इसे कहते हैं क्रमिक परिवर्तन मतलब क्रमिक परिवर्तन से ही उत्क्रांति होती है तो उत्क्रांति अर्थात सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन उससे हम उत्क्रांति कहते हैं जो कि मानव पशु पक्षी वनस्पति सभी में उत्क्रांति होती है जैसे कि अः अमीबा से लेके बड़े बड़े व्हेल फिश तक व्हेल इसके देव मछली तक का उनका इवोल्यूशन हुआ है तो ऐसे अलग अलग जितने भी जीव जंतु है उनमें उत्क्रांति होती ही रहती है तो उत्क्रांति मतलब उसके बारे में अभी आप अगर जानना चाहोगे तो उत्क्रांति का जनक जिसको कहा जाता है चार्ल्स डार्विन उनको उत्क्रांति का जनक कहा जाता है तो उत्क्रांति का सिद्धांत क्या है उत्क्रांति तो होती है कैसे होती है क्रमिक स्तर से होती है धीरे धीरे उसमें बदलाव आते जाते हैं परिवर्तन होता है उसे हम उत्क्रांति कहते हैं सिद्धांत कैसे आया मतलब उत्क्रांति, आ, कैसे होनी चाहिए एक कोशिकीय सजीव में एक कोशिकीय सजीव पता है सभी को अमीभा पैरामेश सब एक कोशिकीय सजीव है जिनका पूरा दिनक्रम एक ही कोशिका में होता है सजीव में क्रमशः परिवर्तन हुआ और उसके अधिक परिवर्तन हुआ और उसके अधिक विशाल एवं जटिल सजीव विकसित हुए एक कोशिका से फिर बहु को, दो कोशिका फिर तीन फिर बहु कोशिकाओं तक परिवर्तन होते गए ये सभी बदलाव धीरे धीरे और क्रमवार होते हैं क्योंकि उत्क्रांति का परिभाषा वही है कि क्रमवार और धीरे धीरे बदलाव होते इस विकास की समयावधि करोड़ वर्ष की है सजीवों में जो बदलाव होते हैं तथा विकास होते यह सर्वव्यापी सभी अंगों में होते है अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में आए क्योंकि बदलाव के कारण उनमें बहुत सारी परिवर्तन दिखाई दिए और इसी कारण इस पूरी क्रम प्रक्रिया को क्रम विकास अथवा उत्क्रांति कहा जाता है उत्क्रांति संगठनात्मक होती है उत्क्रांति कैसी होती है संगठनात्मक होती मतलब ग्रुप समुच्चय में होती है भिन्न रचना तथा कार्य वाले पूर्वजों से वनस्पति तथा प्राणियों का प्रगतिशील विकास ही उत्क्रांति कहा जाता है प्रगतिशील जो विकास होता है विकास मैंने पहले भी बताया कि उत्क्रांति मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि प्रगति या विकास क्योंकि प्रगति नहीं होगी तो हमें उत्क्रांति का बदलाव ही नहीं समझ में आएगा इवोल्यूशन ही नहीं होगा तो हमारी प्रगति नहीं हो सकती इसीलिए धीरे धीरे जो बदलाव आते परिवर्तन आते जाते जैसे कि पहले की पीढ़ी में लोग कैसे रहते थे कैसे उनका खान पान था कैसे उनका रहन सहन था तो उसमें भी अभी की पीढ़ी में तो बदलाव आते ही जाते क्योंकि हम जैसा क्लाइमेट बदलता है उस हिसाब से हम अपने आप को ढालते हैं उसी में तो ये जो सिद्धांत है और जिसमें एक कोशिका से लेके बहु कोशिका तक संगठनात्मक उत्क्रांति का एक किया गया है उसके बाद वाला महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे हम उत्क्रांति का क्योंकि उत्क्रांति तो हुई है पर उत्क्रांति कैसे हुई ये भी हमें पता होना चाहिए तो वो कैसे पता करेंगे उसकी जांच हम कैसे करेंगे कि नहीं सही में ये उसी के अवशेष है या सही में ये उसी के प्रमाण है इसी से हम क्योंकि अगर कुछ एक दीवार है उसपे कुछ लिखा है कोई जो भी एक पुरानी दीवार है उसमें कुछ मार्क करके लिखा है तो आप अगर उसको जान ही नहीं सकोगे उसके बारे में आपको कुछ अगर उसके भूतकाल के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि एक कौन से पूर्वजों ने लिखा है किस सदी के लोगों ने लिखा है किस सदी के लोग यहाँ पे रहते थे तो ये सब पहचानने के लिए सब जानने के लिए हमें उनके प्रमाणों की आवश्यकता होती है क्योंकि हम भी देखो कभी कभी प्रमाण सभी को प्रूफ चाहिए होता है सभी के लिए तो उत्क्रांति के जो प्रमाण होते हैं सिद्धांत समाधान करने के लिए हम प्रमाणों का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे हमें आ, अलग अलग पांच प्रकार के प्रमाण हमें दिए गए हैं जैसे कि बाह्य रूपीय प्रमाण अः अवशेषांग प्रमाण भ्रूण विज्ञान प्रमाण जीवाश्म विज्ञान और दूसरा है शरीर विज्ञान का प्रमाण तो ऐसे पांच प्रकार के इस पे आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है आ, एग्जाम में की उत्क्रांति के प्रमाण ऐसे चार्ट आपको दिया जाएगा एक प्रमाण आपको दिया जाएगा और बाकी के पूछे जाएंगे तो इसी बॉक्स में आपको ऐसे उनकी तैयारी करनी है सीक्वेंसली आपको लिखना है तो अवयों की हड्डियों की समान रचना में समानता मतलब उसे शरीर विज्ञान का प्रमाण भी हम कह सकते हैं तो ऐसे पांचों इन शॉर्ट मैंने एक ब्लॉक में आपको दिखाए है तो अभी हम एक एक करके सब प्रमाणों की माहिती लेंगे तो पहला है बाह्य रूपी की अभी उसके शब्द में ही सब छुपा है रूप रूप क्या होता है जो हम बाहर से अपना आवरण दिखता है नाक आंखें कान जो शारीरिक रचना अपनी बाहर से दिखती है उसे ही हम बाह्य रूपी की प्रमाण या आकारिक प्रमाण या उसको मोर्फोलॉजिकल इविडेंस भी हम कह सकते हैं प्राणियों में के मुख की रचना अभी मानवी प्राणी अगर आप देखोगे तो सभी मानवों का चेहरे में नाक कान आंखें ये सब आता है सबके में आता है चाहे वो अलग अलग उसकी रचना थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है कलर डिफरेंस हो सकता है पर स्थान उनका वही रहता है आंखों की जगह किसी की आगे पीछे ऐसी होती क्या नहीं होती आंखों की जगह जहाँ पे वही पे सबकी आंखें होती है तो इससे हम क्या कहते हैं तो शरीर के ऊपर जो रचनाएं दिखती है उसे हम बाह्य रूपी के प्रमाण मानते हैं तो उसमें पत्य जैसे मानव में है वैसे वनस्पतियों में भी है पत्तियों का आकार शीरा विन्यास पर्णदंड ऐसे अलग अलग प्रकार की रचनाओं से हम मान सकते कि नहीं ये उस समुच्चय में आता है या उसी से हमें पता चलता है कि ये, ये बाहरी आवरण से हम पता कर सकते जैसे अगर किसी को कंकाल मिला तो वो कंकाल मानव का है वनस्पति का है या किसका है ये पता करने के लिए हमें उसके बाह्य रूपी की रचना का प्रमाण होना चाहिए पता होना चाहिए तभी हम जान सकते कि ये क्या है समझ में आए तो यहाँ पे अलग अलग आपको डिफरेंट डिफरेंट मैंने दिखाई है तो उसमें पता चलता है कि वेनेशन मतलब जो शीर विन्यास होता है वो पत्तों में कैसे होता है फिर उसके आकार कैसे होते हैं उसके अरेंजमेंट कैसी होती है उस हिसाब से फिर हम उत्क्रांति की तरफ उसको लेके जा सकते हैं और उसका प्रमाण हम दे सकते हैं उसके बाद है शरीर विज्ञान का प्रमाण तो शरीर विज्ञान मतलब आंतरिक आंतरिक रचना 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 अभी हो गई दूसरा है मतलब बाजू में जो होमोलोगस ऑर्गन्स जो दिए गए हैं अस्थिमय रचना जो दिखाई है उसमें निरीक्षण करने से पता चलता है कि मानव का हाथ बैल का पैर चमगादड़ का पंख तथा देव मछली इनमें सब में अलग अलग कुछ भी समानता हमें आ, uh, क्या होती है समानता दिखाई नहीं देती है पर उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्यों में भी भिन्नता होती है तो इससे ही हम शरीर विज्ञान का प्रमाण या अंतर रचना का प्रमाण कह सकते हैं मतलब आंतरिक रचना जो है देखो बाहरी आंतरिक रचना उनकी अलग है पर आंतरिक जो आंतर रचना है अस्थिमय रचना है उनकी थोड़ी बहुत सेम है तो इससे ही हम पता कर सकते कि अरे इनके पूर्वज या उनके पूर्वज ऐसे इसमें से हो सकते हैं इसीलिए हमें शरीर विज्ञान का प्रमाण दिया जाता है या हम दिखा सकते हैं उसके बाद ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी या मानव है जिनमें सभी जो अंग होते हैं, आंतरिक वो सभी काम के होते हैं क्या तो नहीं तो कोई कोई अंग जो होते हैं अपने में वो निरुपयोगी भी होते उनको निरुपयोगी यंत्र सॉरी इंद्रिय कहा जाता है सजीवों में नष्ट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले जिनकी वृद्धि पूरी नहीं हुई होती है अपूर्ण वृद्धि हुई होती है और उन्ही को हम निरुपयोगी इंद्रियों का अर्थ या मतलब निरुपयोगी इंद्रिय हम कह सकते हैं और उन्हीं अंगों को हम क्या कहते हैं अवशेषांग कहते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं अवशेषांग कहते हैं ये नष्ट होने वाले अंगों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में दिखाई देती है और ऐसा अवयव यदि किसी एक सजीव में कोई कार्य करता है तो वही अवयव दूसरे में काम में आता है जैसे अपेंडिक्स अपेंडिक्स मतलब क्या हमारे आंतरपुच्छ हमारे शरीर में जो आंतरपुच्छ एक अवयव है जो अंग है जो हमारे कुछ काम का नहीं है पर वो दूसरे सजीव के लिए काम का हो सकता है जिसमें अगर वो है तो उसके लिए वो तृण जो भी है उनमें सेल्युलोज पचन के लिए उसका काम हो सकता है तो इसी को हम अवशेषांग कहते हैं और ऐसे बहुत सारे अवशेषांग वनस्पति प्राणी सब में दिखाई देते हैं उसके बाद वाला जो प्रमाण है वो है जीवाश्म विज्ञान संबंधी फॉसिल्स जिसे हम कहते हैं जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कंकाल दिख रहा है या अलग अलग जो सजीवों के चिन्ह या जमीन में नीचे सुरक्षित रह जाते हैं और बाद में अगर हम उसकी खुदाई करेंगे जमीन की तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है तो उसमें जीवाश्म विज्ञान या फॉजिल्स या पैलेंटोलॉजिकल इविडेंसेस हम उसे कह सकते है उसके बाद है अः पैलेन्टोलॉजी इविडेंस उसे कह सकते हैं जिसमें कार्बन डेटिंग भी होता है कार्बन डेटिंग मतलब एक अंकाल हमें अगर आज मिलता है पर वो कब का है कितने साल पुराना है वो हम जो निर्धारित करते हैं उसका आयु जो निर्धारित होता है उसके लिए आ, जो साइंटिस्ट है कार्बन आयु निर्धारण उन्होंने बताया गया था उनका नाम है विलाड लिबी जो यहाँ पे पोस्टर मैंने दिखाया गया है विलाड लिबी ने ये इसका संशोधन किया है उसके बाद का महत्वपूर्ण मुद्दा है संयोजी कड़ी संयोजी कड़ी मतलब क्या एक दूसरे को जोड़ने वाली कड़ी जिसे हम संयोजी कड़ी कह सकते हैं फॉर एग्जांपल उदाहरणार्थ पैरेपैटस डगबिल प्लैटीपस लंगवीश ये सभी जो है जिनके जो प्रमाण है अखंड कुछ वनस्पति और प्राणियों के कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं उनकी सहायता से हम दूसरों का समूह जोड़ के मतलब उनकी माहिती ले सकते हैं उसे ही हम संयोजी कड़ी कह सकते हैं और आखिरी वाला हमारा जो प्रमाण है वो है भ्रूण विज्ञान का प्रमाण एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंस जिसे हम कहते हैं तो अलग अलग जो ये होते हैं जैसे कि फिश है सेलेमेंडर है टॉर्टोइज है रैबिट है और मैन है इनके देखो पहला जो भ्रूण है मतलब कभी भी अगर माता की गर्भ में अगर बच्चा लेता है तो उसका क्या होता है पहले भ्रूण तैयार होता है तो उसकी रचना देखो सभी में आपको थोड़ी बहुत सेम दिखाई देगी तो तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करते हैं तो प्रारंभिक अवस्था सभी में थोड़ी बहुत समान होती है और इससे हम पता कर सकते हैं कि ये किन पूर्वजों से रिलेटेड है किसकी अवस्थाओं ये, ये विविध अवस्थाओं से हम पता कर सकते हैं कि भ्रूण विज्ञान क्या होता है तो समझ में आया ही होगा आप सभी को कि कैसे कैसे अलग अलग प्रमाणों से हम उत्क्रांति का जो खोज है वो कर सकते हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतने अच्छे से ये पाठ सुना किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो बेटा हाथ उठाओ बेटा प्रश्न पूछना हो तो दीपक महतो पूछो बेटा हेलो मैडम गुड मॉर्निंग मैडम वो कार्बन आयु निर्धारण पद्धति है उससे कैसे पता लगा सकते हैं जीवाश्म का कितना पुराना है कि कितना नया है उसमें क्या होता है जब भी कोई प्राणी या वन मतलब ये उसकी मौत होती या मरता है तब उसका जो कार्बन ग्रहण करने का जो क्षमता होती जैसी वो मृत शरीर हो जाता है तो वो आ, आ, कार्बन तैयार होना या कार्बन का ग्रहण करना उसका बंद हो जाता है तो तभी का जो समय होता है उसका अनुपात निकाला जाता है जिसको सी और सी जो कहा जाता है कार्बन का अलग मृत वनस्पति या स्थिर जो सी फोर्टीन और सी जो होता है उसका अनुपात स्थिर रखकर उसको बदला जाता है और उसी का जो मापन किया जाता है मतलब उससे हमें पता चलता है कि आ, काल मापन हम जिसे कह सकते हैं तो उस काल मापन से हमें पता चलता है कि ये आ, कितना पुराना हो सकता है जो फॉरेंसिक लैब्स होती है देखो फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं होती है जिसमें इसका अनुपात निकाला जाता है उनके पास वो जो आ, कंकाल या जो भी कुछ अवशेषांग कोई भी तो उससे हम पता कर सकते तो सी ट्वेल्व का जो अनुपात किया जाता है उससे उनको पता लग सकता है कि ये कितनी पुरानी है और उसमें आ, मतलब उसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है अमृत अमृत सर अंदर क्या काम करते आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है हेलो टीचर बोलो टीचर डीएनए हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है डीएनए हमारे बॉडी के अंदर क्या काम करता है प्रोटीन वहाँ पे प्रथिनों की निर्मित की जाती है और अलग अलग जो शरीर में बदलाव होते उनका वहाँ पे संक्रमण किया जाता है डीएनए के डीएनए क्या होता है डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है वहाँ पे अमीनो अम्लो की निर्मित की जाती है और किसी को कुछ पूछना है